हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका, एडवेंचर रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। यदि रोज के नाश्ते से हो गए हो बोर और मिनटों में कुछ टेस्टी और मजेदार खाना चाहते हैं जिसे बनाने के लिए मेहनत भी कम लगे, तो ये नाश्ता जरूर बनाइएगा। बहुत पसंद आएगा, टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए देरी न करते हुए इस नाश्ते को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से 1 कप सूजी ली है और मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है। आप चाहें तो मोटी या बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। सूजी को रवा भी कहा जाता है। हम ऐड कर देते हैं 1/4 कप दही। दही यहाँ पर एकदम ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर फ्रेश दही का यूज करें। यदि चम्मच से नाप रहे हैं तो 3 से 4 चम्मच दही का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। सूजी से बना नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होता है, क्योंकि इस नाश्ते को बनाने के लिए तेल का यूज बहुत ही कम होता है। और आज हम इसे इंस्टेंट बना रहे हैं। इसे बनाने के लिए आपको पहले से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें बढ़िया सा चटपटा टेस्ट लाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच चाट मसाला और साथ ही में ऐड कर देते हैं 1/2 कप पानी। अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी एक साथ ढेर सारा बिल्कुल नहीं डालिएगा, तो इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए। पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने दही कैसा यूज किया है। यदि आपने पतला वाला दही यूज किया है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में आपको यहाँ पर पानी यूज होगा, और मैंने थोड़ा गाढ़ा दही यूज किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटर। इसी तरह का यहाँ पर आपको बैटर रखना है। अब इस बैटर को हम ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने के रखेंगे, ताकि जो बैटर है अच्छी तरह से सेट हो जाए, सूजी है वो जो अच्छी तरह से फूल जाए। जब सूजी फूल जाएगी तो ये बैटर थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा, इसलिए आप पहले से ही ढेर सारा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। यदि बैटर ज्यादा पतला हो गया तो नाश्ता बनाने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं। अच्छे से हम बैटर को एक बार चला देते हैं। बैटर जो है वो थोड़ा सा ठीक हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इनो। तो मैंने यहाँ पर रेगुलर वाला इनो लिया है और यहाँ पर आपको इनो 1 पैकेट पूरा यूज करना है। यदि चम्मच से नापेंगे तो 1 चम्मच इनो पूरा यूज होगा यहाँ पर। आप चाहें तो खाने का सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन इनो से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। साथ ही में थोड़ा पानी डाल देते हैं और अच्छे से पूरे इनो को हम बैटर के अंदर मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि एक तो इनो भी अच्छी तरह से बैटर के अंदर मिक्स हो जाएगा और हम बैटर की कंसिस्टेंसी को भी बराबर कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे, एकदम ज्यादा गाढ़ा बैटर नहीं रखना है और एकदम ज्यादा पतला भी नहीं रखना है। जैसा ही आप इनो डालेंगे आप देखेंगे कि बैटर जो है वो बिल्कुल हल्का दिखाई देने लगेगा। तो ये बैटर बिल्कुल रेडी है नाश्ता बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक तवा, इसमें मैंने डाल दिया है पानी। आज मैं आपको 2 तरीके से नाश्ता बनाना बताऊंगी, तो जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है आप उस तरीके से नाश्ता बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से एक कॉटन का कपड़ा लिया है। इस कॉटन के कपड़े को हम इस तरह से तवे के ऊपर रख देते हैं और इसे अच्छे से पानी में हम भिगो देते हैं। यदि पानी आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और पानी डाल सकते हैं। और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर अभी लो रखना है। तो आप देख सकते हैं कपड़ा जो है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से भीग गया है। अब जो हमने बैटर रेडी किया है उस बैटर को हम इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से जैसे हम इडली वगैरह बनाते हैं ना, उस तरह से हमें इसे ऊपर डालना है। और थोड़ी सी दूरी दूरी पर डालिएगा, क्योंकि जब ये पकेंगे तो ये फूलेंगे। पानी डालने से क्या होगा कि इसके अंदर स्टीम बनेगी और भाप से ये बहुत ही जल्दी से पक जाएंगे। अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके लो से मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकने देंगे। बस यहाँ पर इस तरह से तवा इडली बनाते समय आप एक चीज का ध्यान रखें, कपड़ा थोड़ा सा मोटा ले और पानी थोड़ा सा ज्यादा डालें। यदि आप पानी कम डालेंगे तो क्या होगा कि जो इडली है वो कपड़े में चिपक जाएगी। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देते हैं। तो इस कपड़े को उठाकर हम साइड में रख लेते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद हम इसे कपड़े से बाहर निकालेंगे। तो ये अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही इजीली से कपड़े पे से निकल जाएगी। वाव, जब इस तरह से आप कपड़ा रखकर तवे पे पानी डाल के थोड़ा सा बनाते हैं ना, बिल्कुल आपको इसमें इडली वाला टेस्ट आएगा, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार होती है। अब सभी को हम इसी तरह से कपड़े पे से निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी इडलियों को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है। ये देखिए वाव, कितनी सॉफ्ट और नरम बनी है ये। तो चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ ये नाश्ता बनाने के लिए। थोड़ा सा ऑयल लगाकर तवे को ग्रीस कर लें, या आप चाहें तो डायरेक्ट तवे पर भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। और बैटर को इस तरह से हम डाल देते हैं। बस यहाँ पर थोड़ी सी दूरी दूरी पर ही डालिएगा बैटर को। अब इस तरह से हम तवे के साइड में थोड़े थोड़े से पानी के छींटे मार देंगे। पानी के छींटे डालने से क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी स्टीम हो जाती है डंडेट, उससे क्या होता है जो हमारा ये नाश्ता है जल्दी से पक जाता है। अब इसे हम ढक देते हैं और ढक करके पकने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देते हैं। ये देखिए हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुका है। तो इसे उठाकर हम प्लेट में रख लेंगे। अब आप चाहें तो इस नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इस नाश्ते के साथ बहुत ही बढ़िया सा एक ट्विस्ट करने वाली हूँ, जिससे कि इस नाश्ते का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से एक पैन ले लिया है। पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन तेल और तेल को अच्छी तरह से यहाँ पर हम गर्म होने देंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होता है।
जैसा कि मैंने आपको कहा है, तेल का यूज बहुत ही कम होता है। तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच राई। राई को फूटने देते हैं। तो राई यहाँ पर अच्छी तरह से चटक चुकी है। डालेंगे आधी चम्मच सौंफ। सौंफ का फ्लेवर बहुत ही इनहेंस करता है इसके टेस्ट को। सौंफ भी अच्छे से तेल में फ्राई हो गई है। इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच धनिया पाउडर। आधी चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। एक चौथाई चम्मच के करीबन डालेंगे हल्दी पाउडर। सारे मसालों को हम हल्का सा तेल में भून लेते हैं ताकि इनके अंदर का जो कच्चापन है वो चला जाए। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। बिल्कुल थोड़ा ही पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा पका लिया है मसालों को। अब जो हमने नाश्ता बनाया है, एक एक नाश्ता उठाकर हम इसके अंदर डालेंगे इस तरह से तड़के में। और तड़के में हम नाश्ते को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पकाना है। इसके ऊपर हल्की सी मसाले की कोटिंग हो जाती है ना, तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये नाश्ता खाने में। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके ऊपर हम बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक मैंने बैटर में भी डाला था, तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गैस को हम कर देंगे बंद। यहाँ पर हमारा मजेदार सा टेस्टी, आप चाहें तो इसे तवा इडली बोल सकते हैं, आप इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया। तो बस गर्मा गर्म इस नाश्ते को आप इंजॉय करिए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।